हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन डे एग्ज़ाम टारगेट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो इधर बीच काफ़ी चर्चा में रहा है, तो चलिए हम देख लेते हैं। बिल्कुल इसे 5 मिनट का वीडियो हमने बनाया है जिससे कि टाइम कम लगे और जानकारी ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यह टॉपिक कौन सा है हमारा, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। हम सफलता से केवल उतना ही दूर हैं जितनी कि हम कड़ी मेहनत से दूर हैं। हम बस मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आराम से हर चीज़ पाना चाहते हैं। तो मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, यूपी को का। आजकल ये बहुत चर्चा में रहा होगा, आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं है क्या। इसे इस तरीके से लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। वैसे ये अभी एक्ट नहीं बना है, मतलब कानून नहीं बना है, ये अभी विधेयक है। विधेयक क्या होता है? जब संसद या विधानसभा में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं और इसे कानूनी अमलीजामा पहनाना बाकी होता है, तब ये कहलाता है विधेयक। इसका हिंदी में फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण कानून। कानून ये कब बनेगा? ये कई रास्तों से गुजरता है, दोनों सदनों में बहुमत से पास होता है, फिर इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो नया कानून बनता है। अब दूसरा, संगठित अपराध से क्या तात्पर्य है? बार बार जो इसका जिक्र हो रहा है, तो विधेयक के अनुसार क्या है संगठित अपराध में? फिरौती के लिए अपहरण, सरकारी ठेके में शक्ति प्रदर्शन, खाली या विवादित सरकारी भूमि या भवन पर जाली दस्तावेजों के जरिए या बलपूर्वक कब्जा, बाजार और फुटपाथ विक्रेताओं से अवैध वसूली, शक्ति का प्रयोग कर अवैध खनन, धमकी या वन्यजीव व्यापार, धन की हेराफेरी, मानव तस्करी, नकली दवाओं या अवैध शराब का कारोबार, मादक द्रव्यों की तस्करी आदि। यूपी कोका किस तर्ज या किस मॉडल पर आधारित है? तो यूपी कोका एम कोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट पर आधारित है जो 1991 में बना था। चौथा है, इस एक्ट या विधेयक, अभी तो विधेयक ही, एक्ट नहीं बना, को ड्रैकोनियन क्यों कहा जा रहा है? ड्रैकोनियन मीन्स क्या होता है? कठोर, हार्स, बहुत ही सख्त। तो ये ड्रैकोनियन क्यों कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। क्योंकि 6 माह से पहले इसमें बेल नहीं मिलेगी, जमानत इसमें नहीं होने वाली 6 माह से पहले। दूसरा है, 30 दिन की पुलिस रिमांड, इससे पहले 15 दिन की पुलिस रिमांड होती थी। कम से कम इसमें 3 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है, और कम से कम 5 लाख का जुर्माना, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख, और गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ चार्जशीट 121 दिन में जमा होगी, इससे पहले 60 से 90 दिन में जमा हो जाती थी। अगर संगठित अपराध की श्रेणी में कोई आ गया तो यूपी कोका में बहुत प्रॉब्लम हो जानी हो उस अपराधी को, और इसमें अथॉरिटी को बहुत पावर दी गई है। जैसे फोटो और वीडियो से ये प्रूफ मान लेगी, हाई सिक्योरिटी जेल में नहीं रखा जाएगा और डीएम से परमिशन के बाद ही मिलने दिया जाएगा। हॉस्पिटल में तभी जाएंगे जब मेडिकल बोर्ड अप्रूव कर देगी, नहीं तो बहुत बहाने हो जाते हैं कि ये कैदी बीमार हो गया, ये वो। इसका दुरुपयोग भी होगा, तो दुरुपयोग से बचाव के लिए क्या किया गया? नियम बनाया गया है। क्या नियम है? राज्य स्तर पर गृह सचिव इसकी जांच करेंगी, कौन संगठित अपराध की श्रेणी में आ रहा, कौन नहीं, और मंडल स्तर पर आईजी रैंक के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, फिर मुकदमा दर्ज होगा। जिला स्तर पर कमिश्नर डीएम इसकी जांच करेंगे कि कौन संगठित अपराध की श्रेणी में आ रहा है, कौन नहीं, यह सही बात है कि नहीं, ये सब बातें। छठा है, यूपी कोका की वर्तमान स्थिति क्या है? तो यूपी कोका विधान परिषद से अभी पास नहीं हो सका है, ये प्रवर समिति को भेज दिया गया है। ये प्रवर समिति 1 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन देगी। अब विधानसभा में इसका बहुमत है भाजपा का, तो यहाँ से पास हो गया। अब विधान परिषद में 100 सीट हैं जिसमें से 13 सदस्य मात्र बीजेपी के हैं, सपा के 61 हैं, बसपा के 8 हैं और कांग्रेस के 2 हैं। तो जितनी विपक्षी पार्टी थी सब एकजुट हो गए और इस विधेयक को नहीं पास होने दिए। अभी कानून कैसे बनता? विधानसभा से पास होने के बाद ये विधान परिषद में जाता, विधान परिषद में जाने के बाद ये राज्यपाल के पास जाता, अगर वहाँ बहुमत से दोनों सदन में पास हो गया तो। अब राज्यपाल के पास जाता तो राज्यपाल इससे 4 काम कर सकता है, स्वीकृति दे दे कि हाँ सही है, या इसको अस्वीकृति दे दे। फिर तीसरा है, वह सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज दें। चौथा, वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लें। तो
इस तरीके से अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा देता है तो ये कानून बन जाता है। इस विधेयक की आलोचना बहुत हो रही है। आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि पुलिस रिफॉर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि नए नए एक्ट ला दें, आप इतना कड़ा कड़ा एक्ट ला दें तो इससे व्यवस्था बदलने वाली, सुधरने वाली। क्योंकि नया एक्ट तो आप ला दिए हैं, लेकिन इसको इन्फोर्स करने वाले, लागू करने वाले तो वही लोग हैं ना जो पहले के नियम कानून लागू कर रहे थे। तो क्या ज़रूरी है बहुत कड़ा कानून ला दिए आप तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसा मानना है कि पुलिस रिफॉर्म पे ध्यान देती सरकार, ज़्यादा फोकस करती तो ज़्यादा अच्छा था। मॉडल कितना भी लाइए, लागू तो वही लोग करेंगे ना। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इतना ही था यूपी कोका के बारे में। हम जैसा भी आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं कि किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसे लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। लास्ट में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।